पेपर्स मिले हैं, जो पेपर्स नाम तौर पर पड़े रहते हैं, जो मेरे घर का किराया आता था वो पेपर है। दूसरा उन्हें 600 रुपया मिला है मेरा पटना आवास पर, जो पंचनामा उन्होंने रिसीव करवाया है मेरे जो पटना आवास के मेरे जो घर को देखभाल करते थे उसका पंचनामा है। रांची आवास पर मेरे यहाँ जो रेड कंडक्ट हुआ है अभी तक इनको कुछ मिला नहीं है, ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, ना कुछ इल्लीगल डॉक्यूमेंट, ना कुछ बेनामी संपत्ति, ना कुछ इल्लीगल पैसे, ज़बरदस्ती हमें रोक कर बंद करके घर में रखा गया है। इसका असर ये हुआ कि पता नहीं कौन सूत्रों ने बता दिया कि भैया मेरी आय 1 करोड़ रुपया है, ऐसा कुछ नहीं, दस्तावेज भी नहीं मिला। अब 1 करोड़ रुपया से मान लीजिए महीने में हो गया 30 करोड़, तो 365 करोड़ साल में हो गए, तो अब साल में 365 करोड़ के ये तो चले जाएंगे, अब पंचनामा में ऐसा कुछ देंगे भी नहीं। लेकिन मेरी जो बदनामी हुई उस बदनामी को ये कैसे निपटेंगे? मेरे ऊपर कल को नक्सल अटैक होगा, कल को मेरे बच्चों को किडनैपिंग के तहत उठाने की साजिश होगी, तो उसको ये कैसे बचाएंगे मेरे यहाँ? कल को मेरे ऊपर जान की खतरा बने रहेगी, ना इनको कुछ पैसा मिला, ना इनको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिले, तब भी ये जो है ज़बरदस्ती अपने सीनियर्स के कहने पे यहाँ पे डेरा डाल के बैठे हुए हैं। मेरे बेरमो आवास में भी इनको ऐसा कुछ नहीं मिला, ना इनको पैसा मिला बेरमो आवास में, ना कुछ। मेरे घर में 70,000 रुपया इनको या 90,000 रुपया सबका मिला के मिला है, बेरमो आवास में भी इनको कुछ नहीं मिला। मेरे बाद बाकी जो रिश्तेदार हैं पटना में उनके यहाँ भी रेड इन्होंने कंडक्ट करके उनके घर से भी चले गए, उनके यहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब ज़बरदस्ती बैठे हुए, हाँ एक चीज़ पे ज़बरदस्ती प्रेशर किए जा रहे हैं कि आप जो घर बना रहे हैं, तो जो मैं घर बना रहा हूँ 2005 में 2006 में मेरे पिता ने मेरी माँ के नाम पर घर लिया, ज़मीन लिया, उस ज़मीन को मैंने अपनी माँ को 10 लाख रुपया टैक्स पेमेंट करके स्टैम्प ड्यूटी निकाल के गिफ्ट डीड लिया। अभी उस ज़मीन के प्रति मैंने लोन के लिए विधानसभा में अप्लाई किया हुआ है। उस ज़मीन में कुल कंस्ट्रक्शन जो होगा कास्टिंग और कॉलम उठा के वो करीब 50 से 60 लाख रुपए का हुआ होगा, जिसमें से 20 लाख रुपए के करीब 18 लाख रुपए के करीब मैंने अपने सैलरी अकाउंट से वेंडर्स को पेमेंट किए हैं अपने रिलेटिव्स के थ्रू। अब उसके बाद मैंने भी इनको बोला, इनके प्रोसीजर में बहुत साफ कहना होता है कि आप अगर कुछ जानते हैं तो बोल दीजिए जानते हैं, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो बोल दीजिए नहीं जानते। अब मैंने इनको बोल दिया कि भैया मैं नहीं जानता हूँ और जानता हूँ, अगर कुछ होगा आप मुझे डिपार्टमेंट बुलाइएगा, मैं आईटी डिपार्टमेंट आके आपको संबंधित जो भी दस्तावेज आप मांगिएगा अपने सीए के थ्रू और अपने थ्रू मैं आपको अवेल करा दूंगा। उसके चलते आप मुझे 2 दिन से घर में बंद करके, मेरे बच्चों को परेशानी हो रही है, मेरे लोगों को परेशानी हो रही है, और इस तरीके का ये कार्रवाई कर रहे हैं। अजय जी, अजय के घर से अजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है, अजय सिंह एक नॉर्मल व्यक्ति है जो मेरा बेरमो में राइवल है, वो बीजेपी के हैं, वो पिछले चुनाव में मेरे पिता का विरोध किए थे, उनके घर से मिला है वो मेरे पिता के काफी करीबी थे। मैं तो बोल रहा हूँ ना भैया, सुनिए, तो मेरे पिता के करीबी थे, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया मैंने उनका विरोध किया, वो मेरे पिता को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। उनका लाखों फोटो जो है पूर्व CMD गोपाल सिंह के बेटे बाटुल जी और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी के कैंपेनिंग में आपको मैं दिखा दूंगा। जी निश्चित तौर पर आप लोग सबने देखा है कि जो भाजपा का स्टिकर हटा रहा था उसने भी बीजेपी का झंडा पहना हुआ था गले में, तो और कोई लेने देना नहीं है। पहले उनके सवाल का जवाब दे दूं, पहले उनके सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर आप आइएगा। ऐसे आपसी में तो कर्सी मेंटेन करिए, ठीक है? हाँ, तो वो जो गाड़ी थी वो गाड़ी बीजेपी के स्टिकर लगी हुई आई थी और बीजेपी वालों ने उस गाड़ी को भेजा होगा, और जब हमारे लोगों ने उस पर क्वेश्चन किया तो वो गाड़ी पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन हमारे लोगों ने तब भी खोज लिया। अब आप क्या पूछ रहे थे? अजय सिंह के घर से जो पैसे मिले उससे कोई लेना देना आपका नहीं है? अजय सिंह के घर से क्या, अजय सिंह से मेरा लेना देना नहीं है। अगर आप मेरा सोशल मीडिया साइट उठा के देखिएगा तो जब मेरे पिता पहली बार बने थे विधायक, तो यही अजय सिंह के खिलाफ में हेमंत सोरेन जी के ऑफिस से ट्वीट हुआ था कि इनका घर खाली कराया जाए, क्योंकि ये एक मजदूर के नाम पर घर अलॉटमेंट करके रह रहे थे, ठीक है? और मैं अजय सिंह का घोर विरोधी रहा हूँ, ये पूरा बेरमो जानता है, आप भी बेरमो जाके पता कर सकते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं कि आपको कैद करके रखा जा रहा है, जबरदस्ती क्या ये कार्रवाई?
देखिए, जब कुछ मिला नहीं इनको, इन्होंने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया, इन्होंने इतने पैसे बर्बाद किए रेड मारने में, रेड कंडक्ट करने में, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं और प्रदीप यादव बहुत मुखर होके बोलते हैं, और उस मुखर आवाज़ को बंद किया जाए ताकि हम लोग भी बीजेपी में शामिल हो जाएं। ये साजिश थी इनकी, और जब इनको मिला नहीं तो अब इनकी छिछी लेदर हो रही है, तो ज़बरदस्ती और कुछ और कुछ और कुछ करके ढूंढ रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे जनता सजा देगी, मुझे कोर्ट सजा देगा। आपको जो रेड कंडक्ट करना था आपने रेड कंडक्ट किया, आपने मेरे घर को सील किया, आपने सब सामान निकाला, आपने सब दस्तावेज को जांच किए, उस दस्तावेज में आपको कुछ मिला नहीं, आपने सब गहना निकाला, वैल्यूअर को बुलाया, 9 लाख का